दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए हुए थे। वो इस बात से बड़ा परेशान था, हर वक्त वो खुद को यही ताने देता कि यार मैंने 99 कत्ल कर दिए हैं, मेरी बख्शिश कैसे होगी। फिर वो इसी का हल तलाश करने के लिए एक बहुत बड़े आलम के पास जाता है। तो वो अपनी सारी मामलात बताता है कि मेरे साथ ये कुछ हुआ है और मैंने 99 कत्ल कर दिए हैं। फिर वो जो आलिम होता है वो उसे कहता है कि मेरे पास में तो कुछ नहीं है, अब अल्लाह ताला तुम्हें नहीं बख्शेगा, तुमने 99 कत्ल कर दिए हैं और कत्ल माफ़ नहीं होगा। फिर वो ये सोच के बड़ा परेशान होता है और परेशान होते होते वो उस आलिम को भी मार देता है। फिर उसके 100 कत्ल मुकम्मल हो जाते हैं। फिर वो ये सोचते हैं कि मैंने तो 100 कत्ल कर दिए हैं, अब मेरी बख्शिश तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। फिर वो एक और आलिम के पास जाता है, उसे जाके ये बताता है कि मैं एक आलिम के पास गया था और मैंने उसको कत्ल किया और मेरे 100 कत्ल हो गया मुकम्मल। फिर वो आलिम कहता है कि तुम इन बुरे लोगों की बस्ती छोड़ के अच्छे लोगों की बस्ती में चले जाओ। फिर वो अच्छे लोगों की बस्ती में जब जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। फिर दो तरह के फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, एक अच्छे फरिश्ते और एक बुरे फरिश्ते। जो अच्छे फरिश्ते होते हैं वो कहते हैं कि ये अब अच्छा मुसलमान बनने वाला था, इसलिए हम इसे जन्नत में ले जाएंगे। और बुरे फरिश्ते कहते हैं कि इसने तो 100 कत्ल किए हैं, हम इसे जहन्नम में ले जाएंगे। फिर आखिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये फैसला करते हैं कि ये शख्स जिस बस्ती के ज़्यादा करीब होगा वो फरिश्ते इस इंसान की रूह को जन्नत या जहन्नम में ले जाएंगे। फिर जब वो फासला मेजने लगते हैं तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो लाश होती है वो अच्छे लोगों की बस्ती के करीब हो जाती है। फिर जब फैसला होता है तो फैसला ये होता है कि ये अच्छे लोगों की बस्ती के करीब था, इसीलिए अल्लाह ताला इसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। थैंक्स।